व्हाट्सअप गाइस, कुशाल हियर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग मदरबोर्ड के बारे में, जो कि आता है गिगाबाइट की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है B360 AUROS गेमिंग 3। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो आने वाले एक दो दिन में मैं इस चैनल में एक गेमिंग पीसी बिल्ड का वीडियो डालने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि पीसी बिल्ड वीडियो से पहले मैं आपको इस मदरबोर्ड का एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप इसको खरीदने से पहले जान पाओ कि इसका फीचर्स क्या है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, कौन सा प्रोसेसर इसमें सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते, तो इसका प्राइस जो है अमेज़न में रखा गया है 13,000 रुपीज़, बट मैंने इसको लोकल स्टोर से परचेस किया है 8,600 रुपीज़ का। बट फिर भी अगर आप अमेज़न से लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंड ये है कि आपको जहाँ से सस्ता मिला है वहीं से ले दो। तो शुरू करते हैं इस मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको मिलता है ये मदरबोर्ड, और इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलता है दो सेटा केबल, जो कि दोनों ही 6GBPS का है, बट इसमें से एक एल शेप्ड है और एक आई शेप्ड। बाकी यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मदरबोर्ड मिलता है और सेटा केबल मिलता है। अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन से। तो इसका साइज़ जो है यहाँ पे M80X है, जिसकी वजह से ये मदरबोर्ड काफ़ी छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपका केस थोड़ा बहुत छोटा है तो इसमें भी ये जो है आराम से फिट हो जाएगा। पोर्ट्स की बात करते हैं, इस मदरबोर्ड के पीछे आपको मिल जाता है एक PS2 पोर्ट, जहाँ पे आप अपने PS2 एक्सेसरीज को लगा सकते हो, और उसके ऊपर आपको मिलता है 2 USB 2.0 पोर्ट्स, और उसके साइड में आपको मिलता है एक DVI-D पोर्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक HDMI पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट, और उसके नीचे आपको मिल जाता है USB 3.1 Gen 2 पोर्ट, और उसके साइड में आपको मिल जाता है इंटेल का GB LAN पोर्ट, और इसके नीचे आपको 3.0 का 2 USB पोर्ट्स मिल जाता है, और लास्टली यहाँ पे आपको मिलता है 8-चैनल HD ऑडियो इनपुट। ऑनबोर्ड पोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग PCIe स्लॉट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 2 PCIe एक्सप्रेस स्लॉट, जिनमें से एक रन करता है 16x पे और दूसरा वाला रन करता है 4x पे। बट दोनों ही पोर्ट्स यहाँ पे PCIe एक्सप्रेस 3.0 का है, तो ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी बॉटलनेकिंग इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक PCIe 1x स्लॉट, जिसमें आप कोई भी दूसरा पेरिफेरल्स लगा सकते हो। और इस मदरबोर्ड में आपको 3 M.2 पोर्ट्स दिया गया है, जिनमें से आप 2 में M.2 SSDs लगा सकते हो और तीसरा में आप इंटेल का CNVI Wi-Fi मॉड्यूल लगा सकते हो। कनेक्टर्स की बात करते हैं, इसमें आपको 24-पिन ATX कनेक्टर के साथ साथ 8-पिन का ATX कनेक्टर भी ज़रूरी है इसको पावर ऑन करने के लिए। और इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 4 फैन हीटर्स मिलता है, जिनमें से एक तो है CPU फैन हीटर और बाकी 3 में आप जो है चेसिस फैन लगा सकते हो। और इसमें आपको 2 डिजिटल LED स्ट्रिप फीडर्स भी मिलता है, जिसमें आप एड्रेसेबल LED स्ट्रिप को लगा सकते हो, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 RGBW LED स्ट्रिप हीटर्स भी मिलता है। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 LED स्ट्रिप हीटर्स मिलता है, जहाँ पे आप अपने LED स्ट्रिप्स को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सेटअप पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 सेटअप पोर्ट्स मिलता है आपके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। USB हीटर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 USB हीटर्स मिलता है आपके फ्रंट पैनल के लिए, प्लस यहाँ पे आपके फ्रंट पैनल के लिए एक USB 3.0 हीटर भी मिलता है। हार्डवेयर सपोर्ट की बात करें तो यह मदरबोर्ड इंटेल का कोई भी 8 या फिर 9 जेन का CPU को सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि इंटेल का पेंटियम से लेकर i7 तक का कोई भी 8 जेन या फिर 9 जेन का CPU है इजिली सपोर्ट करता है। चाहे वो पेंटियम हो या फिर i3 हो या फिर i5 हो या फिर i7 तक कोई भी प्रोसेसर सपोर्ट करता है, इवन सेलेरॉन प्रोसेसर भी इसमें सपोर्ट करता है। रैम की बात करें तो इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम का स्लॉट दिया गया है, जो कि डुअल चैनल आर्किटेक्चर पर बना है, और ये आपका सपोर्ट करता है अप टू 64GB रैम। और रैम का स्पीड की बात करते हैं, ये सपोर्ट करता है 2666 MHz तक, बट अगर आप उससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगाते हो तो वो जो है ऑटोमेटिकली अंडरक्लॉक हो जाएगा। और अभी मदरबोर्ड का फीचर्स की बात करते हैं, ये जो है स्मार्ट फैन 5 को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये जो है RGB फ्यूजन को भी सपोर्ट करता है, जिसके जरिए आप RGB स्ट्रिप्स को या फिर मदरबोर्ड का RGB लाइट्स को या फिर ग्राफिक कार्ड का या फिर केस का भी RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और मदरबोर्ड का लाइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा RGB ट्रेल मिल जाता है, जिसको आप RGB फ्यूजन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। बायोस और ऑडियो कोडिक की बात करते हो, ये जो है डुअल बायोस के साथ आता है, और ऑडियो कोडिक की बात करते हो, ये मदरबोर्ड जो है रियलटेक का हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडिक सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई इंटेल का 8th Gen PC बिल्ड कर रहे हो और उसमें आपको मदरबोर्ड चाहिए, वो भी जिसमें आपको कम रेंज में RGB फ्यूजन सपोर्ट करता है, तो ये एक काफ़ी तगड़ा चॉइस होगा। बाकी आपको मार्केट में B360 AUROS गेमिंग 3 भी मिलता है, बट वो जो है काफ़ी महंगा है इस मदरबोर्ड के मुकाबले। दोनों में इतना ही अंतर कि आपको उसमें ऑनबोर्ड टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको इनबिल्ट वाईफाई भी मिल जाता है, और वो वाला मदरबोर्ड जो है B360M से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो B360 है और ये B360M है। M मतलब माइक्रो ATX, जो कि है मदरबोर्ड का साइज़। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी दूसरा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है,
तो अगर आपका बजट काफी टाइट है और आप जो एक लो बजट में इंटेल का आरजीबी फ्यूजन वाला मदरबोर्ड लेना चाहते हो, देन यू कैन चेक दिस वन आउट। एंड दैट वाज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे क्वालिटी टेक वीडियोस के लिए। और मैं आपसे अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।